जी बिल्कुल। कैसे बचे? बात करें यार, लास्ट क्लास में एमलगेमेशन ऑफ कंपनी में मैंने आपका नेचर ऑफ मर्जर मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन बताए थे कि एमलगेमेशन है क्या, और केस ऑफ मर्जर आपको मैंने बताया था कि केस ऑफ मर्जर कब कब हो सकता है। आज के क्लास में ना मैं आपका नेचर ऑफ परचेजर बताऊंगा, साथ साथ परचेज कंसिडरेशन निकालने का तरीका बताएंगे। इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। इन द नेचर ऑफ परचेजर में चलते हैं कि इन द नेचर ऑफ परचेजर पहले होता क्या है। देखिए यार, जब हम मर्जर का केस हम बता रहे थे, जब हमने आपको मर्जर का केस बताया था तो आपको कंडीशन लिखाए थे कि देखो बउआ, ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो केस ऑफ मर्जर होगा, केस ऑफ मर्जर होगा, मैंने ही बताया था। लेकिन अगर उन सारे कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो वह आपका केस ऑफ परचेजर हो जाएगा, वह आपका केस ऑफ क्या हो जाएगा, परचेजर हो जाएगा। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे है ना तो थोड़ा सा पलट करके देख लीजिए, आई बटन पे भी दे दे रहे हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो नहीं देखे है, पार्ट वन नहीं देखे तो जाके वो देखिए। तो यहाँ पे अगर उन सारे टर्म एंड कंडीशन में अगर फुलफिल नहीं होगा तो वह सारा आपका जो हो जाएगा वह केस ऑफ परचेजर हो जाएगा। अगर जो टर्म एंड कंडीशन दिए हैं अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो केस ऑफ परचेजर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका एन अमेलगेनेशन इज कंसिडर्ड टू बी इन द नेचर ऑफ परचेजर व्हेन एनी वन और मोर ऑफ कंडीशन मर्जर आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जो कंडीशन आपको हमने कल बताया था वो फुलफिल अगर नहीं होगा। इन दिस टाइप ऑफ मर्जर वन कंपनी दैट अक्वायर अनदर कंपनी एंड द शेयर होल्डर आर नॉट नेसेसरी गिवन प्रोपोर्शनेट शेयर इन न्यू कंपनी और कंबाइंड एंटिटी। देखिए, परचेजर वाले केस में ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो शेयर होल्डर है वो कंबाइंड एंटिटी को रखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि नए कंपनी में उनका शेयर एग्जिस्टेंस करेगा, वह शेयर में पार्ट लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मर्जर वाले केस में ऐसा पॉसिबल था कि कुछ पुराने टर्म में शेयर को पैसा पेड आउट कर सकते हैं, शेयर में वैल्यू दे सकते हैं उस तरीके से। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आपका टाटा मोटर्स एंड जगुआर लैंड रोवर 2008 में मर्ज कर गया, परचेज किया था। टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को परचेज कर लिया था। 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को परचेज कर लिया था। यह आपका केस ऑफ परचेजर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, परचेज कंसिडरेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा कि परचेज कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या मेथड है परचेज कंसिडरेशन का, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, चलते हैं आगे, समझते हैं परचेज कंसिडरेशन सबसे ज्यादा खास टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट ना एमलगेमेशन बनाते वक्त परचेज कंसिडरेशन को निकालना ही भूल जाते हैं, सोचते हैं कि सर परचेज कंसिडरेशन कैसे निकले, हमसे तो फाइंड आउट नहीं हो रहा है, कितना तरीका है, बहुत सारा सवाल उनके मन में आने लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपका तीन तरीका है परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने का। सबसे पहला है आपका नेट पेमेंट मेथड, ठीक है, पहला। दूसरा नेट एसेट्स मेथड है, और तीसरा है शेयर प्रपोर्शन मेथड, क्लियर। यह तीन तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं परचेज कंसिडरेशन को, क्लियर। पहला देखिएगा, कह रहा था अंडर दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज द टोटल ऑफ शेयर डिवेंचर एंड कैश विच आर टू बी पेड फॉर द क्लेम ऑफ इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफेरर कंपनी। क्या होगा ना यार कि देखिए नेट पेमेंट मेथड में आपके क्वेश्चन में ना गरज गरज के बोलेगा कि देखो जो ट्रांसफेरर कंपनी था, जो पहले की कंपनी है, उसे परचेज कंसिडरेशन शेयर में दे रहा है, कैश में दे रहा है, डिवेंचर में दे रहा है, एकदम आपको लिख करके बताएगा, ठीक है। तो जैसा तरीका से आपको यहाँ पे बोलेगा कि क्या क्या मैं पेड कर रहा है, जैसे परचेज कंसिडरेशन, तो पेमेंट टू शेयर होल्डर इन शेयर, शेयर में पैसा दिया, या तो डिवेंचर में पैसा दे रहा है या फिर कैश में दे रहा है, तो यह तीनों सम करने के बाद जो अमाउंट आएगा वह आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। कौन सा मेथड में? नेट पेमेंट मेथड में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बात करें बच्चे नेट एसेट्स मेथड में, बात करते हैं। देखिए नेट एसेट मेथड, यहाँ पे ना परचेज कंसिडरेशन के बारे में कुछ बोलवे नहीं करेगा कि परचेज कंसिडरेशन कितना है, का है, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो वहां पे ना आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से हम फॉलो करेंगे। कैसे? नेट एसेट मेथड। इसमें क्या होता है, नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, देखिए, परचेज कंसिडरेशन बराबर
टोटल ऑफ एसेट टेकन ओवर, जितना एसेट्स के टेक ओवर के लिए है उसमें से जितना लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया माइनस कर देंगे, वह आपका परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। कौन सा तरीका में? नेट एसेट मेथड। दो मेथड हो गया, पहला नेट पेमेंट मेथड और दूसरा नेट एसेट मेथड। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट डाउन करते चलिए, ठीक है। तीसरा होता है आपका शेयर प्रपोर्शन मेथड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है यार कि शेयर प्रपोर्शन मेथड क्या होगा सर, ये हमको समझ। देखिए यार, छटपटाना नहीं है, एकदम इजीली समझिए। यहाँ पे ना पहले आप नेट एसेट मेथड को निकाल लीजिएगा। नेट एसेट मेथड से आपका परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में यहां बोलेगा ना कि तीन शेयर उसका पांच शेयर में कन्वर्ट हो गया, पांच शेयर दस शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो उस बेसिस पे प्रपोर्शनेट शेयर वैल्यू निकलेगा आपका। मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो वहां भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, समझाते चलूंगा। तो मतलब यहाँ पे आपका शेयर में कन्वर्ट परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे नेट सेटलमेंट में। अब आपके क्वेश्चन ने बोला है कि देखिए उसका ट्रांसफेरर कंपनी का तीन शेयर पांच शेयर में कन्वर्ट हो गया, आठ शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो जिस शेयर में कन्वर्ट हो रहा प्रोपोर्शनेट वैल्यू हम लोग निकालेंगे और वह आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा और वही वैल्यू पेड आउट होता है ट्रांसफेरर कंपनी को। क्लियर? तो यह आपका तीन तरीका है परचेज कंसिडरेशन निकालने का, तीन तरीका। नेट पेमेंट मेथड सबका प्रैक्टिकल बताएंगे, दूसरा नेट एसेट मेथड है और तीसरा शेयर प्रपोर्शनेट मेथड है। यह आपका एमलगनेशन का आज तक यही। नेक्स्ट क्लास में ना बच्चे मैं आपका जर्नल एंट्री बताऊंगा और फिर आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। जर्नल एंट्री बताएंगे कितना तरीका से जर्नल कर सकते हैं, मर्जर की बुक में कैसा होगा, मर्जर के बुक में परचेजर के बुक में कैसा होगा, वो सारा बताऊंगा। और समझ में आ रहा है ना यार, कहीं से वीडियो आप वॉच कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि सपोर्टिव है, हेल्प हो गया, टॉपिक क्लियर है, सब्सक्राइब करके जाइए।